चैप्टर 21 सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। ये लास्ट चैप्टर है इस पार्ट का। पुराना कंसेप्ट क्या हुआ करता था कि जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होती थी उसको परमानेंट इन्वेस्टमेंट बोलते थे, मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए रखो, और उसका मेन फोकस होता था सिर्फ एनुअल इनकम पे जो आपको मिलने वाली है, और प्रिंसिपल में फ्लक्चुएशन हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होंगी क्या नहीं होंगी, कंपनी को कैसे अफेक्ट करेंगी, कोई नहीं सोचता था इस बारे में। पहले इस तरह से चलता था काम। तो इन्वेस्टर क्या करते थे, खरीद लेते थे सिक्योरिटीज़, उनको संभाल के रख लेते थे, फिर उनके बारे में भूल जाते थे। सिर्फ तब याद आती थी जब कूपन पेमेंट या डिविडेंड पेमेंट वाली डेट आने वाली होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं, और आज की डेट में कोई परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुआ करती जिनको आप रख के भूल जाओ। तो इसलिए पीरियोडिक इंस्पेक्शन ज़रूरी है आपकी होल्डिंग्स की, लेकिन ये कई बार ट्रबलसम भी हो सकती है, क्योंकि पहले तो आप बॉन्ड सेलेक्ट करने के लिए एनालिसिस करोगे, उसके बाद टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ेगा ताकि लॉस के रिस्क आप मिनिमाइज कर सको। तो ये ट्रबलसम प्रोसेस हो गया ना, और आपको रिटर्न भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही बॉन्ड से, तो क्या ये एफर्ट वर्थ इट है? ऑथर फिर कुछ चीज़ें रेकमेंड करते हैं, जैसे कि पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स सेविंग बॉन्ड्स या सेविंग बैंक डिपॉजिट में कर सकते हैं। तो ये बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सेफ है, और अगर आप लिमिटेड रिटर्न के साथ सेटिस्फाइड रह सकते हो तो ये ऑप्शन बढ़िया आपके लिए। फिर दूसरा है स्पेकुलेटिव ऑपरेशंस, और उन स्पेकुलेटिव ऑपरेशंस में रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करना और एट द सेम टाइम प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करना। तो ऑथर बोलते हैं कि जो टिपिकल पर्सन है नॉर्मल बंदा, उसके लिए ये काम काफ़ी डेंजरस हो सकता है जिसने अपनी कैपिटल सेविंग करके और बिजनेस के प्रॉफिट से बनाई है। ऑथर बोलते हैं कि इग्नोरेंस, ह्यूमन ग्रीड, मॉब साइकोलॉजी, ट्रेडिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें मिलके ना स्पेकुलेशन की सुपीरियोरिटी को कम कर देती हैं और लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर अगर आपको स्पेकुलेशन करनी है तो आप इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन करो, अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो पूरा रिस्क पे मत लगाओ, जितना आप खो सकते हो सिर्फ उतना ही स्पेकुलेट करो। और ये कोई रीज़न नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स कई बार डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं, तो अगर ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग होते हैं तो फिर स्पेकुलेशन के रिजल्ट्स डिजास्ट्रस होते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन है ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना जो कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल हो और सब्सटेंशियल प्रॉफिट का भी चांस हो। तो ये फील्ड टैलेंटेड सिक्योरिटीज एनालिस्ट के लिए बढ़िया फील्ड है, लेकिन अनट्रेंड इन्वेस्टर के लिए ये भी डेंजरस हो सकता है। तो फिर सवाल आता है कि सुपरविजन कैसे की जाए अपनी होल्डिंग्स की। तो सुपरविजन में यही है कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी से बेहतर मिल रही है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसे, चाहे आपको थोड़ा बहुत लॉस क्यों ना रियलाइज़ करना पड़े उस पर। लेकिन अब दिक्कत ये भी है कि जो सिक्योरिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं, और जो एडवर्स डेवलपमेंट्स होती हैं वो फटाफट से सिक्योरिटी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो फिर कैसे सुपरवाइज करेंगे? तो ऑथर कहते हैं इसका एक ही हल है कि अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलो, जैसे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ऊपर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। जैसे कि ऑथर एग्जांपल देते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3, लेकिन आपने ऐसा बॉन्ड खरीदा हुआ है जिसकी 20 टाइम्स है, तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो गए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20 से 4 होगी तो प्राइस इतना अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से अभी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर प्राइस फिर भी फॉल हो जाए मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होने के बावजूद, तो फिर आप ये रख के ही रखो, तब कोई फ़ायदा नहीं है इसको बहुत ज़्यादा लॉस पे बेचने का। तो ये वाली पॉलिसी रिसेशन वाले पीरियड्स में हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि 1921-22 में, 1937-38 में। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर डिप्रेशन वाला सिनेरियो आ गया 1930-33 का, उसमें गारंटी कोई नहीं है कि बच जाओगे, बच भी सकते हो नहीं भी। और ये जो हाई कवरेज रेशियो होती हैं ये 2 मिनट में गायब हो जाती हैं अगर ऑपरेटिंग लॉसेज हों कंपनी को। तो ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदें जो कि स्टेबल हों, जैसे कि रिटेल स्टोर्स, ग्रोसरीज, ऐसी नहीं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो इनहेरेंटली स्टेबल नहीं है। फिर ऑथर लास्ट में बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड सुपरविजन। तो क्या क्या सोर्सेज हैं? पहला तो इन्वेस्टर खुद है, दूसरा वो अपने कॉमर्शियल बैंक से हेल्प ले सकता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस है, चौथा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फर्म्स हैं, पांचवा एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज ट्रस्ट कंपनी, छठा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट काउंसिल। तो पहला खुद ही है, दूसरा जिस कॉमर्शियल बैंक में आपने अपने पैसे जमा कराए हुए हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं फ्री में, वो उनकी जजमेंट साउंड हो सकती है लेकिन उन्हें सिक्योरिटीज़ की नॉलेज सुपरफिशियल सी होती है।
तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा ये। और जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये अपनी खुद की अंडर रिटन सिक्योरिटीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फर्म्स होती हैं ये अपनी ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स इनके थ्रू होंगी उतना ज़्यादा इन्हें बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ आता है एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रस्ट कंपनी और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट काउंसिल, तो ये आपको बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इनकी फ़ीस बहुत हाई होती है। और फिर ये फीस को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर बॉन्ड मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं, तो मतलब ये मार्केट्स को टाइम कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर इतनी ज़बरदस्त पावर है आपके पास तो फिर आप बॉन्ड्स में क्यों एडवाइस दे रहे हो, स्टॉक्स में देनी चाहिए ना फिर आपको डायरेक्टली, उसमें अपसाइड पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। और फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर इतना ही पता होता है इन्हें कि मार्केट कहाँ जाने वाली है तो फिर ये कंसल्टेंट वाले काम क्यों कर रहे होते हैं, खुद के पैसे लगा के क्यों नहीं अमीर बन रहे, तो ये फालतू की बात है। वैसे एडवाइस हो सकती है इनके पास अच्छी, लेकिन ये बात सच नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर देंगे। और इसी चैप्टर के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। धन्यवाद।